कहने की क्या बात है, एक्सेलेंट, आई एम वेरी हैप्पी. हमें इतना वक्त लगा इसको बनाने में बिकॉज चलो मैं शुरू से शुरू करूँ, विच इज़ दिस. जैकी हैज़ दिस कंपनी कॉल्ड पूजा एंटरटेनमेंट एंड आई हैव दिस कंपनी कॉल्ड फ्यूचर वर्क्स. हम हमेशा सोच रहे थे कि कुछ करते हैं डिजिटल मीडियम, एक नया मीडियम है जहाँ कुछ लाना चाहिए, और हम सोचते रहे. फिर अचानक से उसके पास ये आइडिया आया कि यार एक फिल्म है जिसमें ऐसा होता है कि 50 साल आगे जाकर ना लोग ऑक्सीजन को बेचेंगे. अच्छा, तुझे पता है 50 साल पहले अगर किसी को पूछा जाता कि पानी को बेचेंगे, ऐसा होता क्या? मैं कहा यार सोचने वाली बात है, फिल्म का आइडिया अच्छा है, बनाना चाहिए. इस चीज़ को लेकर हमने फिर फिल्म शुरू की. हाय, हाँ सर, एंड दैट्स हाउ कार्बन स्टार्टेड ऑफ, एंड फाइनली टुडे इट्स रिलीजिंग, एंड आई थिंक वी हैव एन अमेजिंग रिस्पॉन्स. ऑल द बेस्ट टू द होल टीम. This story is not basically about somebody's character. It's a lot about how we've used environment as a you know, a medium of entertainment. That's it. So it's nothing about Nawaz's character or Jackie's character or Prachi's character. They're just trying to let us know that how expensive lives are and what it's going to be in the future. हाँ, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, पर नहीं, मैं नहीं कह पाता हूँ क्योंकि कई लोग समझ नहीं पाते और उन्हें शायद अच्छा नहीं लगता है. तो जब भी अगर मुझे कोई फिल्म अच्छी नहीं लगती, मैं चुपचाप निकल जाता हूँ. ऐसा नहीं, मेरा एक अलग चॉइस है, सबका एक अलग चॉइस है. अगर मुझे एक फ़िल्म पसंद नहीं आती तो ज़रूरी नहीं कि सबको पसंद नहीं आए, पर उसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई खड़ा है अपनी फिल्म दिखाने के लिए और मैं उसे उसी समय कह दूँ कि मुझे फिल्म अच्छी नहीं लगी. सॉरी, ओह, मैनी फिल्म्स. लिपस्टिक इन अ बुरखा वाज अ नाइस फिल्म. आई जस्ट सॉ इट रिसेंटली. अच्छी फिल्म थी. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर.